और इसी के साथ अब आपको सीधा ले चलते हैं जयपुर, जहां पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। देश की एकता और अखंडता के लिए प्राण न्योछावर कर दिए, लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देखा कि मुझे क्या फायदा है। उन्होंने देश को आगे रख कर के और देश प्रेम की भावना उनमें कूट कूट के भरी हुई थी। हम सब कांग्रेस के लोग आज पुनः संकल्प लेकर के, क्योंकि आज जो जिस प्रकार के लोग केंद्र की सत्ता में आ गए हैं, जिस प्रकार से जो गांधी जी की सोच को भी नहीं मानने वाले लोग हैं, गोडसे की सोच को मानने वाले लोग आ गए हैं, तो उनसे सावधान रहने के लिए ऐसे दिवस के ऊपर हम सब लोगों आपस में विचार विमर्श करते हैं, संकल्प लेते हैं और देश को एक और अखंड कैसे रखें, देश कैसे विकसित राष्ट्र बने और सब गरीब को गणेश मान करके हम किस प्रकार से जहाँ जहाँ मौका मिलता है सेवा करें। और हमारे राजस्थान में जिस प्रकार से जो योजनाएं दी गई हैं, मैं समझता हूँ कि देश में कहीं भी किसी भी स्टेट में इस प्रकार की योजनाएं नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं वो उसमें इंदिरा जी, राजीव गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के उन महान नेताओं की जो दूरदृष्टि सोच थी वो प्रदर्शित होती है। आप सब पधारे, आपका धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूँगा कि वो सारी बातें आपको अध्यक्ष जी ने कही, इन्होंने ठीक कहा कि राजीव जी के साथ में मुझे काम करने का अवसर मिला और मुझे इस बात का एहसास है। अभी अध्यक्ष जी ने कहा कि 18 साल के नौजवानों को मत का अधिकार दिया, बहुत क्रांतिकारी फैसला था उस वक्त और उसके प्रतीक मैं खुद हूँ। 18 साल के मतदान का अधिकार दिया, वो सोच वाला व्यक्तित्व राजीव गांधी थे। उन्होंने मुझे जब मैं 34 साल का था तब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया। तो आप सोच सकते हो 34 साल के नौजवान को, जो यूथ कांग्रेस एज भी 35 साल तक होती है, उसके पहले मैं इसी प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष बन के आ गया। वो सोच राजीव गांधी की थी, जो दूरदृष्टि रखते थे और बाकी तो जो वो शहीद हो गए देश के लिए, उपमहाद्वीप में शांति स्थापित करना चाहते थे, क्रांतिकारी फैसले लिए, इतिहास गवाएगा आज जो महिलाओं को एम्पावरमेंट मिल रहा है, ये वहाँ शुरुआत उन्होंने करी। जब 73-74 अमेंडमेंट की बात की गई संविधान संशोधन की, तब जाके गांव में वार्ड पंच, सरपंच, प्रधान, प्रमुख, मेयर, सभापति बनने लगी रहा देश के अंदर। उसके पहले महिला बन सकती थी क्या? सरपंच को स्वीकार करता है, गांव वाले खुद ही स्वीकार नहीं करते महिला को। तो आज इतना क्रांतिकारी फैसले के उस कारण से महिलाओं के एम्पावरमेंट हुआ है, आज महिलाएँ बड़े बड़े पदों पर आती है, आज राष्ट्रपति महिला है, पहले राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी थी वही महिला थी। तो कहने का मतलब राजीव गांधी जी ने जो सोच रखी थी युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, उनके कारण आरक्षण मिलना शुरू हुआ पंचायत राज में भी और स्थान निकाय के अंदर भी। ऐसे अनेकों फैसले अगर आप उनके रिसर्च करें, वो तो रिसर्च करने वाले जानते होंगे, उनके 5 साल के कार्यकाल में क्या क्या क्रांतिकारी फैसले हुए हैं, तब आगे खुलेगी और प्रधानमंत्री मोदी जी से मैसेज जाएगा कि वास्तव को कहना रखते था। दुर्भाग्य इस बात का है कि प्रधानमंत्री जी बात को समझ क्यों दे रहे हैं। वो उनकी पार्टी ने ठान लिया है कि हम तो 76 साल में, 60 साल में क्या किया कांग्रेस ने, आजादी के पहले क्या किया, क्या बलिदान कुर्बानी दी, फांसी के फंदे पर चढ़े, जेलों बंद रहे 10 साल तक, तो कम बात थी क्या? उन सबको भुला दो देश के अंदर, नामो निशान मिटा दो। इतने तमाम जो दिल्ली में काम हो रहे हैं, अब जवाहरलाल नेहरू के नाम के जो संग्रहालय था उसका नाम बदल दिया, किस स्तर पर जा रहे हैं लोग, मेरी समझ के पर हैं। मैं मेरी जिंदगी में कभी किसी प्रधानमंत्री से उम्मीद नहीं करता था, चाहे वो कोई पार्टी का हो, इस स्तर की सोच सकता होगा कि आप नामो निशान मिटा दो जिन्होंने इतिहास बनाया देश का। और बहुत भारी ब्लंडर कर रहे हैं वो लोग। अगर मोदी जी आरएसएस के दबाव में करें तो भी गलत है, मोदी जी खुद अपनी सोच से करें तो भी गलत है, मोदी जी बीजेपी के दबाव में करें तो भी गलत है। क्योंकि एक प्रधानमंत्री जो है वो देश का प्रधानमंत्री होता है, कोई पार्टी प्रधानमंत्री नहीं होता है। देश के प्रधानमंत्री को भी वही करना चाहिए जो देश चाहता है या देश इतिहास बनाता है उस पर भागीदार निभा है। आज वो इतिहास मिटाएंगे तो आने वाले वक्त में जब ये लोग बदलेंगे इनका इतिहास सत्य मिल जाएगा, बल्कि काले अक्षर में लिखा जाएगा उस वक्त के कार्यकाल के अंदर जो व्यवहार किया गया उचित नहीं था। ये इतिहास वाले लिखेंगे, इतिहासकार लिखेंगे
आने वाले वक्त के अंदर, और ये इनको मंजूर है तो आप सोच सकते हो किस हद तक जाना चाहते हैं। अगर ये मंजूर है कि नहीं कुछ भी कहो, आने वाली पीढ़ी हमारे बारे में हम परवाह नहीं करते हैं, इसका मतलब ये फांसी की सोच है, ये लोकतंत्र की हत्या करने वाली सोच है, संविधान की ध्वजा उड़ाने वाली सोच है, ये कैसे पूछ सकते हम लोग। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हम तो राजस्थान के लोग हैं जो परंपरा का निर्वाह करते हैं, दर्शन शेखर साहब हम लोगों ने उनको हराया था, 156 आ गए हमारी सीटें आ गए, मैं मुख्यमंत्री बन गया, वो 32 पे आ गए, रिश्ते हमने क्या रखे काम, वो विपक्ष में थे उनके साथ रिश्ते वही रखे, बीमार हुए मिलते जाते थे हम लोग, डेथ हो गई तो हमने सम्मान उनको सम्मान दिया, पूरा प्रदेश जानता है, कहने का मतलब ये भावना ही होनी चाहिए एक दूसरे के प्रति, पर ये सीमाएं सब तोड़ रहे हैं प्रधानमंत्री जी, उचित नहीं जाया जा सकता। अब 6 बार आ चुके राजस्थान के अंदर, 6 बार नहीं हो 15 बार आ जाओ या 20 बार आ जाओ, अपडाउन करो तब इस बार जनता तय कर चुकी है सरकार को रिपीट करने के लिए, जनता तय कर चुकी है और जनता ही माए बाप है, कितने पैसे लगा दो, साधन झोंक दो, बड़ी बड़ी रैलियां करें, रोड शो करेंगे, सब करेंगे लोग। अभी देखिए अब इनके एमएलए और मंत्री आगे बैठ गए, भले इनको राजस्थान जो है इनके दर्द दिल में दर्द है, इस सरकार को हम घिरा क्यों नहीं पाए, इस सरकार घिरा नहीं पाए, ये उनको दिल में आग लगी हुई है, चाहे वो मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, धर्मेंद्र प्रधान हो, गजेंद्र शेखावत हो, और भी कई लोग होंगे जिन्होंने षड्यंत्र किया सरकार गिराने का और इनको मात दी, प्रदेश की जनता ने मात दी थी, वो मैं अकेला नहीं था, हमारे तमाम साथी थे, विधायकगण थे, हाईकमान हमारे साथ थी, प्रदेशवासियों का माहौल था सरकार गिरनी नहीं चाहिए। इतने विधायक मुझे कहते थे हमारे फोन आ रहे हैं अपने क्षेत्र से लोगों के, चाहे 6 महीने बैठा अपने होटलों में बैठा रहो, सरकार गिरनी नहीं चाहिए, ये प्रदेश के लोगों की भावना थी उस वक्त, इतनी सरकार नहीं गिरी, आज मान सम्मान रहते हैं बड़ा देश के अंदर, पूरे देश के अंदर चर्चा होती है कि कर्नाटक सरकार चली गई, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में हॉस्टडी हुई और सरकार यहाँ नहीं गिरने दी गई, ये कितनी बड़ी बात है। इसलिए मैं चाहूँगा कि राजीव गांधी जैसे नेता है उनको नई पीढ़ी को चाहिए, ये 40 साल का नौजवान बन गया प्रधानमंत्री, 40 साल का नौजवान, तो हर नेता को, हर युवाओं को, छात्रों को समझना चाहिए क्या कारण था उसने 5 साल तक शासन किया, वो इतिहास में स्वर्णिम अक्षर में लिखा गया है, हिस्ट्री तो करें उनके लिए, उनके बारे में फैसले को हिस्ट्री करें, उनको एक अवसर मिलेगा खुद को सीखने का, आगे बढ़ने का, ही मैं कहना चाहता हूँ। आज की जयंती के अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में हमेशा प्रोग्राम होता है, इसी बार हम लोग बात करते हैं, मिलते हैं, मुझे खुशी है कि उनको आज भी देश याद करता है, सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है उनका दिवस, मैं समझता हूँ उनसे हम सबको प्रेरणा देनी चाहिए। राहुल गांधी जी का लद्दाख दौरा था, उन्होंने कहा कि चीन ने जमीन ले ली यहाँ कुछ आए, जबकि दूसरी ओर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 1 इंच भी जमीन नहीं ली और न कोई यहाँ पर चीनी सेना आई अंदर, क्या ये कंट्रोवर्सी क्यों है, क्योंकि राहुल गांधी लगातार पहले भी कह चुके हैं, कल भी उन्होंने कहा है। देखिए दुनिया के मुल्क जो है ना, आज साइंस विज्ञान टेक्नोलॉजी का जमाना है, दुनिया के मुल्कों की नज़रें, उनके सेटेलाइट सब लगे रहते हैं दुनिया भर के मुल्कों के अंदर, दुनिया जानती है वास्तव में क्या हुआ, अब वो किस रूप में कहते हैं, क्यों चाइना को नाराज नहीं करना चाहते हैं, जैसे कि एक बार विदेश मंत्री जी ने कहा था हम चाइना को नाराज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे इकोनॉमिक संबंध बिगड़ जाएंगे, ऐसा कुछ कहा था, मुझे अजर तो फर्द याद नहीं, तो आप सोच लीजिए अगर आप खुद ही स्वीकार कर रहे हो नहीं हम तो दबाव के अंदर है, उनके बारे में क्या टिप्पणी करें। आखिरी सवाल हो, सद्भावना दिवस के रूप में आज मनाते हैं, प्रदेश में क्या लगता है, प्रदेश और देश में क्या लग रहा है कि इस समय सद्भावना है या लोग आपस में, वो हाल खराब है देश के अंदर, देश चिंतित है, भय और डर के मारे लोग बोल नहीं रहे हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था चलाते हैं चाहे व्यापारी हो चाहे वो उद्योगपति भी क्यों नहीं हो, वो भी घबरा रहे हैं, डर के मारे बोलते नहीं है, डर के मारे चंदा देना पड़ता है इनको, ये बॉन्ड वाला बड़ा स्कैंडल है देश के अंदर, बॉन्ड एक तरह बॉन्ड ले रहे हैं 90% ज़्यादा बॉन्ड बीजेपी वाले, बताइए, और सुप्रीम कोर्ट अभी तक फैसला नहीं कर पा रहा है,
अरे देश हित में भाई जल्दी फैसला करो, क्या बात करते हो, बॉन्ड कितनी बॉन्ड दे दीजिए गुप्त रूप से पार्टियों को, और वो ढूंढते हैं कि कौन चुनाव आ रहा है राज्य में, ईडी पहुंचेगी, इनकम टैक्स पहुंचेगी, सब डर जाएंगे, चंदा देंगे नहीं पार्टियों को। हम तो बोले साथ में ही लड़ेंगे, हम तो जितना संभव होगा उसके बाद में हम चाहेंगे किसी ढंग से जनता में हम जाएं। अभी अध्यक्ष जी कह रहे थे जो शानदार यहाँ पर काम हो गए, यहाँ पर परफॉर्मेंस हमारी है कि आज हर राज्य सरकार है, देश की अधिकांश राज्य सरकारें जो है हमारे प्रोग्राम को, हमारे फैसलों को अध्ययन कर रही है, अपनी मैनिफेस्टो में लिख रही है, वादे कर रही है आगे चुनाव के लिए। इससे बड़ा सभा के रास्ता क्या होगा। आज जो हमने फैसले के रास्ता जनता के बलबूते भी किया है, इससे जनता को जाता है राजस्थान जनता को कि हमारी प्रदेश सरकार ने जिसको उन्होंने चुना है उन्हें वो फैसले किए जो देश में कहीं नहीं है। 25 लाख का बीमा कोई मामूली बात है, कितना लाभ हुआ लोगों को वो सोच नहीं सकता। कितने फैसले ऐसे किए होंगे, कई फैसले ऐसे जो कि हमने किए खाली। मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट बना, कहीं पर राइट टू हेल्थ का एक्ट बना दिया हम लोगों ने, गिग वर्कर जो अभी लोग पूछ नहीं रहे हैं, अब मालूम पड़ेगा गिग वर्कर मतलब क्या है। 4-5 लाख लोग हो गए राजस्थान के अंदर हो गए होंगे जो ओला उबेर पता नहीं क्या क्या और क्या है, कई ऐसी एजेंसी आ गई ना ये अभी जो डिलीवरी करती घर घर के अंदर, अमेजोन और जोमेटो, थोड़े मुझे थोड़े इसमें ज्ञान कम है, तो इसलिए जो है इतनी एजेंसी आ गई है। इन एजेंसियों का जो है इनमें जो काम करते हैं इनसे कौन है लोग, ये राहुल गांधी की सूरत थी जो हम लोग गए थे भारतीय जोड़ो यात्रा में अध्यक्ष के साथ थे, वहाँ हमने तय किया उनकी मौजूदगी के अंदर जब लोग मिलना है उनसे हम कानून पास करेंगे। 200 करोड़ रुपये रख दिया हम लोगों ने, वेलफेयर फंड बना दिया, देरी नहीं हो और आगे बढ़ गए हम लोग। कहने का मतलब कि सारे फैसले राजस्थान सरकार ने, कि मुझे गर्व है कहते हुए इन 5 सालों में जो फैसले हमने किए हैं आज जनता ने उनको स्वीकार किया है। 1.80 करोड़ परिवार महंगे राहत शिविरों में जाए, उस अंदाज कर लीजिए आप, 1.94 करोड़ परिवार राजस्थान में है, 1.93 लगभग 1.80 करोड़ चले गए उसके अंदर महंगे राहत शिविरों के अंदर। आप सोच सकते हो कि लोगों ने कितना इसको वेलकम किया है, क्योंकि भयंकर महंगाई है और ये हमारी मजाक उड़ा रहे हैं कि रेवड़े बढ़ रही है। पूछो मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, यूपी में क्या हुआ, जवाब नहीं इनके पास में। मिशन 156 की दिशा में कल से कदम बढ़ा रहे हैं लोग, कांग्रेस कमेटी मैं नहीं बढ़ाऊंगा, जनता बढ़ाएगी। इस बार 156 का मिशन हमने बनाया है, मिशन 156 जो 98 वाला था, मुझे उम्मीद है जनता उस दिशा में आगे बढ़ेगी। अब कितनी आगे बढ़ती है वो परिणाम आगे तो मालूम पड़ेगा, पर ये मैं कह रही हूँ दावे के साथ में जनता उस दिशा में जो मैंने कहा मिशन 156 उस दिशा में उनकी सोच बन गई है, दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, परिणाम आगे तो मालूम पड़ेगा कि वास्तव में जनता ने हमें किस रूप में आशीर्वाद दिया है। हम तो जनता के माई बाप समझते हैं, उनके फैसले को सिरेदारी करते हैं, हम इनकी तरह हम गवर्न नहीं करते हैं। तो अगली बार मैं ही 15 अगस्त में लाल किले पर आऊँगा, मैं तो नहीं कह सकता, वही कह सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा ना हमें अहम है ना घमंड है, हम अपना काम कर रहे हैं। आगामी चरण के लिए गारंटी कार्ड देना है शुरू कर सकते हैं मोबाइल 20 तारीख से शुरू हो गए हैं। सेकंड फेज जो है उसमें देखिए टाइम लगता है, टाइम लगता है, पहले भी हमने 1 साल डेले हो गए थे क्योंकि चिप जो होती है चिप कैश हो गया वर्ल्ड के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर सब कारें बनी रह गई पड़ी रह गई वर्ल्ड के अंदर पूरी दुनिया के अंदर कारें आजकल ऑटोमेटिक चलती हैं, वो चिप से चलती हैं, मोबाइल फोन भी कंप्यूटर सब चिप से चलते हैं। तमाम फैक्ट्रियाँ बना के तंग आ गई, बिक नहीं पाई क्योंकि बिके कैसे बगैर चिप काम कर नहीं सकती। अब कैश कम हुआ तो हमने शुरू किया है, हम इसको बराबर मॉनिटर कर रहे हैं, हम इसको सेकंड फेज चालू करेंगे, वो विज्ञापन आ गया होगा, आ जाएगा जल्दी ही, और मैं समझता हूँ उसमें वक्त लगेगा, पर मैं वादा करता हूँ, गारंटी देता हूँ यानी मुख्यमंत्री कि अगले चरण में 90 लाख महिलाओं को लगभग 1 करोड़ महिलाओं को मोबाइल फोन और मिलेंगे। धन्यवाद। लगातार इस बार उनकी हवा निकल गई है,
पिछली बार उन्होंने कहा, पिछली बार क्या हुआ, दवाई हमने फ्री करी, टेस्ट फ्री किए थे, वो योजना हमारी 2 साल पहले की थी। अब इनको कौन समझावे, उस वक्त में जब स्कीम चालू होती है उसकी चर्चा पूरे देश में हुई थी। उस वक्त में दवाएं फ्री की चर्चा हो गई उस वक्त। अब तो हमने बहुत क्रांतिकारी कदम उठा दिए, राइट टू हेल्थ, 25 लाख का बीमा, उस वक्त खाली दवाएं फ्री करी और साथ में टेस्ट फ्री कर दिए, काफी टेस्ट। ऋण तो आते ही कर दिए थे ऋण माफ, तो वो तो अलग बात थी। आप ठीक कह रहे हैं, पर मैं ही कह रहा हूँ, बात सुनिए, मैं ही कह रहा हूँ आपको, ये तो आरोप लगाते रहेंगे। उस वक्त क्या हुआ था, उस वक्त में क्या था कि 2-2.5 साल लगते हैं, क्योंकि दवाएं के फ्री का मतलब ही नहीं एक टाइम दे दिया और ख़त्म कर दिया मामला। लगातार दवाएं देनी पड़ती पूरी जनता को, 5-7 करोड़ जनता को, तो इसके लिए आपको बड़े बड़े गोदाम बनाने पड़ते, बड़े बड़े गोदाम टेंडर करने पड़ते दवाओं के, जैसे कि सप्लाई, और फिर कंप्यूटर करना पड़ता, कंप्यूटर प्रोग्राम करना पड़ता, जैसे कि कौन से ब्लॉक में दवाएँ ख़त्म हो गई है, कौन सी दवाएँ, तो नियरेस्ट कहाँ ब्लॉक में दवाएं उपलब्ध है, शिफ्ट हो जाएगी। हर दवाई जयपुर से नहीं जा सकती थी, ये बातें कौन समझा रहे हैं, नियरेस्ट जगह पे कहाँ दवाएं अवेलेबल है इमीडिएटली पहुंच जाए, सप्लाई मेंटेन रहे, इस कारण से टाइम लगा गोदाम बनाने में, कंप्यूटर प्रोग्राम करने में और टेंडर करने का। और आखिरी चुनाव, आखिरी वर्ष आगे चुनाव का, आगे आखिरी साल उनको मौका मिल गया कहने का कि साहब ये तो चुनाव के लिए कर रहे हैं, अब इस बार मौका नहीं मिल रहा। फिर 3 साल है जो घोषणाएं हो रही है, धरातल उतर रही है।